नमस्कार मित्रों, मैं विशाल टंडेल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव से। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद आज हम 17वें दिन में हैं, और ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा और कब हम राहत लेंगे। लेकिन आज भी हम जब न्यूज चैनलों में देखते हैं और अखबार जब पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कई सारे प्रांतों में, जिलों में, गाँवों में आज भी संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हम भारत देश के नागरिक हैं, जिस देश ने हमेशा विश्व शांति की कल्पना की है। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व संतु निरामयम्, सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् भव भवेत्। हमने जब विश्व शांति की कल्पना की है, तो आज तो हमारे देश के प्रांतों में, जिलों में, आज गांवों में आज अगर संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार अगर ऐसा कोई निर्णय लेती है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़े, तो एक सच्चे नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते, भारत सरकार के इस निर्णय को हमें स्वागत करना चाहिए और संपूर्णता पूर्वक उसे स्वीकारते हुए उस लॉकडाउन का भी हमें पालन करने की आवश्यकता है। हमने देखा होगा कि 17 दिनों में कई सारे प्रांतों में, जिलों में, गांवों में, शहरों में काफी लोगों ने इस लॉकडाउन का संपूर्ण सहयोग करते हुए उसका पालन किया। कुछ गिने चुने लोग हैं जो देश के दुश्मन बने बैठे हैं, जिन लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा है, जिन लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा है। मैं सभी को पुनः एक बार मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि देश हमारा है, इस भारत देश को इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है, और इसीलिए अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है, इस लॉकडाउन को बढ़ाने की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे निर्णयों का हमें भरपूर सहयोग देना चाहिए, और इसे स्वीकारते हुए, इस लॉकडाउन का पालन करते हुए भारत देश से इस COVID-19 नाम की महामारी को हमें हराना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।